गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। देखते हैं आज निफ्टी का एक्शन कैसा रहने वाला है। अगर कल का एफआईडीआई का कैश का डेटा देखेंगे तो एफआईआई ने 2960 करोड़ का सेल किया है, डीआईआई ने 1076 करोड़ का बाय किया है। बहुत स्ट्रांग सेल डेटा आया है एफआईआई का, और एफआईआई का जो इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स का भी ऑप्शंस का भी डेटा है वो भी बहुत स्ट्रांगली बेरिश है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल एक्शन डिफरेंट है, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट व्यू बनने वाला है। तो एफआईआई ने 2960 करोड़ का सेल किया है। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को देखें, तो 355 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स का सेल किया है एफआईआई ने। नेट 17,481 शॉर्ट कॉल और लॉन्ग पुट ऐड किया है, जो दिखाता है स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स बनाए हैं मार्केट में एफआईआई ने। 10,000 को बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना है। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि जैसे ही 9,000 टूटेगा तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने का डर रहेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनेगा, वही हो रहा है। कल एफआईआई ने और भी शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं, और कल जो पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट काटा था, कल परसों काटा था, कल फिर ओपन इंटरेस्ट करीब 800% इंक्रीज हुआ है शॉर्ट्स में, ऑप्शंस में, जो दिखाता है कहीं ना कहीं कि एफआईआई ऊपर के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और शॉर्ट बना रहा है 9,000 के लेवल पर, और 10,000 तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ही। अगर स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा देखेंगे एफआईआई का, तो 2027 करोड़ का सेल किया है स्टॉक फ्यूचर्स का। नेट 3,073 शॉर्ट कॉल लॉन्ग पुट है, जो दिखाता है बहुत कन्विंसिंग शॉर्ट है। और ये दोनों डेटा एफआईआई का कैश का सेल और इसके बाद एफआईआई का इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखाती है। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस चेंज देखेंगे तो दिखाएंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है कल। लॉन्ग अनवाइंडिंग इसी वजह से हुई है, जैसे 9,900 टूटा है, लोगों ने अपना लॉन्ग काटा है, तो ये बेसिकली बेरिश है। और कल भी मैंने डिस्कस किया था कि यही होगा अगर 9,900 के नीचे क्लोज आता है। निफ्टी पीसीआर 1.34 पे क्लोज हुआ है, जो अभी भी दिखाता है कहीं ना कहीं कि कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पे बढ़ सकती है और एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स 32.58 क्लोज हुआ है, वन ऑफ द हाईएस्ट रीडिंग है। अगर मैं देखूं तो करीब 22 मई के बाद, 22nd मई, 21st मई के बाद 32.58 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश रीडिंग। तो एक बार इस लेवल पर कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग बन सकते हैं, तो वो देखते हैं कैसे आज ट्रेड सेटअप बनता है। एडवांस डिक्लाइन 0.21 है, जो दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन है, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स रहे हैं कल निफ्टी में, तो ये भी एक कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग बन सकता है। अगर हम 18 जून का एक्सपायरी का डेटा देखें और मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन चेन का डेटा देखें, तो हमको क्या देखने को मिलता है, 9,700 9,750 स्टेब्लिश सपोर्ट बन गया है नीचे की तरफ, 9,800 एक नया सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं आज का डेटा, आज का मार्केट कैसा बिहेव करेगा और 9,800 9,900 कैसा रहेगा। 9,900 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। आज अगर 9,900 तोड़ता है, जो कि एसजेएक्स निफ्टी और डाओ का डेटा और डाओ का फ्यूचर्स का डेटा दिखा रहा है कि 10,060 के लगभग ही ओपनिंग होने वाली है निफ्टी की, तो ये और अगर इसी लेवल पर जाकर के निफ्टी 10,000 के ऊपर क्लोज होता है, तो जो 9,900 पे शॉर्ट्स खड़े हैं, 13.61 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल में, जिसके अगेंस्ट पुट में कल 5.88 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काटेंगे। और अगर ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काटेंगे और 9,900 पे भी 9.75 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल में, जिसके अगेंस्ट पुट में 11.83 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये जो मोटा मोटा 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट 9,800 9,900 पे कॉल पे, ये अपनी पोजीशन काटेंगे। और एक पोजीशन काटेंगे तो एक और पुल बैक निफ्टी में ऊपर की तरफ आएगा और 9,900 9,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ बन जाएगा। यही व्यू में मैंने आज अपने ओवरऑल व्यू, ओवरऑल जो मेरा जेपीजी जाता है पिक्चर का, वो भी मैंने शेयर किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। अब देखते हैं, मैंने पहले भी शेयर किया था कि 10,000 10,050 10,100 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ये तीन स्ट्राइक्स पर बना हुआ है, 10,000 से 10,150 तक चार स्ट्राइक्स पर। आज का क्या व्यू है, ये देखने वाली बात है कि आज निफ्टी 10,150 का रेजिस्टेंस तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है, ये देखने वाली बात है डेज क्लोजिंग बेसिस पर। मंथली एक्सपायरी पहले ही मैंने शेयर किया है, 9,900 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है जून के लिए। अगर जून एक्सपायरी पे बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, 10,200 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब कभी 10,200 टूटेगा तो ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आएगा। 10,000 पे बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, किस तरह का डेटा रहता है, अगर आज 10,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज देता है तो एक बहुत ही बुलिश व्यू रहेगा निफ्टी में। यहाँ से
पहले भी मैंने शेयर किया है, निफ्टी ने एक हैंगिंग मैन पैटर्न वीकली चार्ट पे बनाया था जो बहुत ही बेरिश था, ओपनिंग सीक्वेंस टू लो बनाया 9544 का 12 जून को, जो दिखाता है कि बेसिकली एक बार कॉन्फिडेंस बेयर्स का हिला है इसको लेकर के कि लंबा शॉर्ट नहीं बनाएंगे। और कल देखिए शॉर्ट हुआ निफ्टी, लेकिन नीचे से सपोर्ट आ गया। मैंने 9820 9850 पर बाय दिया था और ये भी बोला था कि 9700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉप लॉस मैंने 9780 का दिया था जो डेज क्लोजिंग बेसिस पर नहीं बीट हुआ और निफ्टी ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ। जो लोग लॉन्ग कैरी कर रहे हैं आज वो 100% बहुत बड़े फायदे में आने वाले हैं। 15 जून को एक इनसाइड कैंडल बनना है जो दिखाता है कि आज 16 जून को एक बड़ा कैंडल बनने का चांस है। आज का क्या ओवरऑल व्यू है, ब्रेकआउट देखें 10,000 के ऊपर डेज क्लोजिंग बेसिस पर आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है SGX निफ्टी ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट पे बनाया है। डाओ कैश ने एक पियर्सिंग पैटर्न डेली चार्ट पे बनाया है जो दोनों ही दिखाते हैं कि बहुत ही बुलिश व्यू है डाओ और SGX निफ्टी दोनों में। और डाओ फ्यूचर्स कल अपने लो से रिकवर किया था और स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है आज की डेट में अभी एज ऑफ नाउ। और SGX निफ्टी भी करीब ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीब 1.75-2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के मैंने पहले भी शेयर किया, निफ्टी के 9900 के कॉल राइट है शॉर्ट कवर करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक निफ्टी में आ सकता है। 9800 9900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ आज ही बन जाएगा, मीन्स 9820 9850 का 30 पॉइंट का एक जोन और 9900 9955 का दूसरा जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज निफ्टी पे बन जाएगा खुलते ही। रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा 10,155 10,180, एक सेल अपॉर्चुनिटी होगी। जो स्ट्रॉन्ग हार्टेड सेलर्स हैं वो इस लेवल पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 10,240 10,280 ऑन डेज क्लोजिंग बेसिस, मुश्किल है 10,240 10,280 डेज क्लोजिंग बेसिस पे आए। अगर आता है तो लॉन्ग कैरी करें, शॉर्ट भूल जाएं, तुरंत लॉन्ग कैरी करें, क्योंकि 10,200 का कोई भी ब्रेकआउट आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन वाले क्या करें, स्टे लॉन्ग रहें, स्टॉप लॉस रखें 9820 का, 10,115 10,180 के लगभग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। अगर 10,200 के ऊपर डेज क्लोज होता है पोजीशन कैरी करके लेके जाएं। एग्जिस्टिंग शॉर्ट वाले क्या करें, पहले अपना मनी मैनेजमेंट देखें, लॉस में होंगे, कल भी मैंने बोला था कि शॉर्ट कवर कीजिएगा 9820 के पास, अगर नहीं कवर किया है और आप शॉर्ट हैं तो फिर आप अपना मनी मैनेजमेंट देखें, उस तरह से कवर करें। अगर इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग हेडेड और आप फिर भी शॉर्ट बने रहना चाहते हैं तो 10,200 का डेज क्लोजिंग देखिए आज। अगर 10,200 का डेज क्लोजिंग नहीं आया तो आप एक बार एक पोजीशन बचा भी सकते हैं, आपको दोबारा एक बार 10,000 देखने को मिल सकता है। बट आई एम नॉट श्योर, जो डेटा दिखा रहा है जिस तरह का SGX निफ्टी और जिस तरह का डाओ का मूवमेंट है, निफ्टी एग्जैक्टली उन्हीं को फॉलो करता है और ये आपको शॉर्ट्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नई पोजिशन में क्या करें, अगर आपको जहां ओपन मिले, अगर आपको 10,020 10,035 पे कोई भी मिले लेवल खरीदने का उसको खरीदें। टारगेट रखें 10,115 10,180 का आज के लिए या कल के लिए। अगर आपको 10,150 अगर आप बाय करें और 10,115 10,180 के लिए अपना प्रॉफिट बुक करें आज और कल में, और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो 10,155 10,180 पे सेल भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डेज क्लोजिंग का 10,240। डेज क्लोजिंग मीन्स अगर दिन में क्लोज हो इसके ऊपर तभी अपना स्टॉप लॉस काटे, नहीं तो पोजीशन कैरी करके घर लेके जाए। सो ये निफ्टी का व्यू था। थैंक्स फॉर फॉलोइंग शरद मिशन एसोसिएट्स, थैंक फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार।